रुद्राक्षव धरिसिद परम वैष्णवनुनि गरुड गमन नम पुरंदर विठलन प्राण ये लो भाई, स्वागत है आपका मुर्देश्वर की सड़कों पे। काफ़ी एक्साइटेड था मुर्देश्वर के लिए। ऑलमोस्ट कोस्टल एरिया पे है तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बाकी है, 4 मिनट रास्ता है। अब तो मुर्देश्वर चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जॉक पल्स के बारे में। बाकी फिलहाल मुर्देश्वर को एंजॉय कीजिए भाई। देखो कोई तो विलेज है, सी खेती वगैरह हो रही है यहाँ पे। मौसम भी काफी अच्छा है, बारिश का कोई संकेत दिख नहीं रहे फिलहाल तो। बाकी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है क्योंकि मॉनसून टाइम चल रहा है, इस वजह से कभी भी बारिश जो है हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं भाई, खेती देखो पानी कमी है नहीं यहाँ पे, तो खेती भी आई गेस सही होती होगी। और गाँव की सड़कें देख लो भाई, गाँव की भी क्या अच्छी सड़कें हैं, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ। हाँ थोड़ी सी मे बी कंजेस्टेड हो सकता है जब लोग ज्यादा हो, अदरवाइज सड़कें काफी अच्छी हैं, एटलीस्ट कोई गड्ढे वगैरह नहीं है। और बाकी भाई देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये होम स्टेज, ऐसे होम स्टेज बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो अगर फैमिलीज वगैरह विजिट करती हैं तो उनके लिए रहने की फैसिलिटी वगैरह है। आप इस साइड देख सकते हो और पीछे भी मैंने बहुत सारे देखे, देखो डिलक्स एसी होम स्टे, तो अगर फैमिलीज वगैरह आती हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसी जगह पर मोस्टली फैमिलीज ही आती हैं, तो अगर कभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हो और शिव जी के दर्शन करना चाहते हो तो ज़रूर आओ यार, बहुत ही सुहाना मौसम है। ठीक है, गूगल मैप्स ने तो यहीं पे लाके छोड़ दिया, आसपास पहुंचते हैं किसी एक बार। भैया मुर्देश्वर 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 कितना आगे है, कितना आगे, पास में ही, ओके थैंक यू। यार ये देखो, ये है श्री मुर्देश्वर टेंपल महातोबर, चलो भाई लेफ्ट लेना है, यहाँ से पास ही बता रहे हैं। बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी देखो, ठीक है प्रसाद वगैरह लेना हो उसके लिए। ओए होए होए भाई भाई भाई, जय हो प्रभु, फाइनली मैन कैन यू सी दैट भाई, कैमरा मुझे नहीं पता कितना कर पा रहा है भाई। पीछे देख रहे हो आगे एंट्रेंस और पीछे देखो भाई क्या लग रहा है मंदिर, वाह शायद कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। भाई भीड़ भी है अच्छी खासी, ठीक ठाक, ऐसे कुछ ज्यादा ज्यादा भी नहीं बट है भीड़ भाई साहब। एंट्रेंस देखो मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, कसम से गूज़बम्स आ रहे हैं। और पार्किंग कितना भी भाई, एंट्री टिकट हो गई है 40 रुपये टिकट है पार्किंग की, ठीक है पार्किंग के लिए। अब देखो भाई, अब देखो पास कर दूँ, देखो एंट्रेंस पे ही क्या शानदार हाथी है आई गेस। तो भाई भीड़ देखो, पार्किंग देखो, फुल पूरी पार्किंग फुल है। भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊं, पार्किंग इतनी पूरी फुल है। चलो फाइनली पार्किंग तो मिली एटलीस्ट, चलते हैं भाई अंदर। जाने से पहले मुर्देश्वर टेंपल की बात करते हैं थोड़ी बहुत। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट स्टैचू है शिव जी का,
एंड ऑल्सो शिव जी के स्टैचू के साथ साथ यहाँ पे मुर्देश्वर टेम्पल भी है। कई जगह आपको डिफरेंट मिल सकता है कि कहीं थर्ड लार्जेस्ट लिखा है, कहीं सेकंड लार्जेस्ट लिखा है, लेकिन लार्जेस्ट तो है वर्ल्ड का, वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू शिव जी का। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का अक्टूबर टू फरवरी के बीच में, बिकॉज उस टाइम आपको स्कूबा डाइविंग और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी मिलेंगी। बाकी आप गोपुराम देख सकते हो, और जो एंट्रेंस है बहुत बड़ी बिल्डिंग टाइप, वो भी बहुत सुंदर लगती है, तो उसे भी देखने लोग आते हैं यहाँ पे। और हाँ भाई, शूज़ वगैरह यहीं उतारने हैं, तो मैं बस शूज़ उतार के और अपना जा ही रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, अपन तो बिना पैर नंगे पैर ही चलते हैं। और ये पता नहीं कितनी मंजिल तो है, I don't know। ये लो भाई एंट्रेंस देखो, कितनी प्यारी एंट्रेंस है। बाहर का सीन तो बाद में दिखाऊंगा, वो तो और प्यारा है। दोनों तरफ समंदर, इस साइड भी देखो, वाह। यहाँ पे अगर आप प्रसाद वगैरह लेना हो तो वो भी ले सकते हो। भाई गेट गेट देखो, बहुत ही ह्यूज है भाई, वीडियो में बहुत छोटे लग रहे हैं बट बहुत ही ह्यूज है दोनों साइड। ये भाई अगर आपने पैर वगैरह धोने हो, शूज उतारे, हाथ धोने हो, तो सब धो सकते हो। बाकी बीच व्यू, और ये है मंदिर का रास्ता, यहाँ से ऊपर बहुत भीड़ है। कोई तो आइलैंड है शायद, वो वेव देखो कितनी भयंकर वेव आ रही है। ये एंट्रेंस है भाई,
तो भाई यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, फ्री फ्री खाना सब कुछ। यहाँ से आपको टिकट लेनी है बस, इस तरह की टिकट रहती है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेनी है और लाइन में रखना आपको। टिकट सबमिट करके फिर आप अंदर आ सकते हो और फूड फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहुत गर्म खाना है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा खाना कैसे इसको। तो भाई यहाँ से पूछ, जो फूड था लोग बहुत चाव से खा रहे थे। और भाई यहाँ पे देखो अभी मॉनसून इसलिए बंद है, अदरवाइज बोट राइड वगैरह, स्कूबा डाइविंग, देखो देख रहे हो, स्कूबा डाइविंग वगैरह सब कुछ जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी होती है। लेकिन अभी मानसून इस वजह से ये देखो भाई बहुत फास्ट है, इसलिए अभी बंद कर रखी है। भाई डिटेलिंग देखो, बहुत ही बारीक नक्काशी करी हुई है देखो। ये भाई टेंपल की एंट्री है, और बाकी अगर ऊपर जाना है तो वहाँ की एंट्री यहाँ से है। बहुत ही सुंदर लग रहा भाई मंदिर, ये देखो पूरी गोल्ड की थीम दी हुई है, गोल्ड प्लेटेड, और साइड में इधर भी समंदर और उधर आपको दिखाया है मैंने वहाँ भी समंदर। और वेव्स देखो कितनी फास्ट वेव्स है, ये देखो भाई आवाज़ सुनो देखो, वाह मैम। ये यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है ऊपर जाने के लिए, जो फील है ना, जो प्रेजेंस है वो ही डिफरेंट है। मैंने जो है जॉक फॉल्स का प्लान बनाया था, बट ये बीच में मुर्देश्वर का प्लान था, लेकिन सोचा नहीं था। हाँ कुछ जगह फोटो जस्टिफाई नहीं कर पाती, ये प्लेस उनमें से एक है। फुल एम्बियंस भाई, पूरा शेड वगैरह फुल कवर्ड। Now look at this. ये मंदिर इतना बड़ा है कि, और हर चीज़ में इतनी डिटेल है, हर चीज़ में इतनी खूबसूरती है, ये देखो आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर पूरा एक्सप्लोर करना हो तो। वाह मंदिर देखो भाई, बहुत ह्यूज है, दिख नहीं रहा है फोटो में वीडियो में, बट लिटरली बहुत ज़्यादा ह्यूज है। वाह, और ये हाथ पे लिखा हूँ, बहुत डिटेलिंग है लिटरली, अगर इसको समझने बैठ गए ना बहुत टाइम लग जाएगा कसम से। आर्किटेक्चर सब कुछ, फॉर नाउ एडल्ट्स 20 और बच्चों के लिए 10 रुपए। अभी भी यहाँ से भी इतना ऊंचा लग रहा है कि अंदर म्यूजियम है, तो अगर कभी भी आओ तो कैश लेके आना, बिकॉज मेरे को तो अंदर अलाउ नहीं करा क्योंकि कैश नहीं था। तो अगर आप कभी आओ और म्यूजियम देखना हो तो जरूर कैश लेके आना, ठीक है। बाकी
कैश नहीं भी है तो कोई नहीं, यहाँ पे खड़े होके ऐसे रेलिंग बनी हुई है, खड़े होके सामने का व्यू एंजॉय करो। ये देखो और पीछे आपके शिव जी, बहुत डिटेलिंग है, मतलब हर काम डिटेल से करा हुआ। देखो सी ये सांप की पूंछ वगैरह जो शिव जी के गले में रहता है उसकी। ये देखो भाई यहाँ पे शायद खेती हो रही है, आई डोंट नो, आई ऐसे खेती या फसल छोटी मोटी उगा रखी है। और ये आपके सामने महाभारत का सीन जो शायद सभी को याद होगा, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, कृष्ण जी पीछे बैठे हैं, ये देखो वाह। और ये सब है शिव जी के सामने, आई थिंक सभी के लिए ये जगह। ये है भाई बीच रेस्टोरेंट, अगर कभी आओ तो खाना भी खा सकते हो बीच का व्यू लेते हुए। वाह फाइनली गुड बाय। और भाई देखो बाहर की गाड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, देखो गोवा कर्नाटका तो होगी ऑब्वियसली, गोवा की देखो, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गोवा की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और बाहर की भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ के लोग तो हैं ही और बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा विजिट करने आए हैं। और सच में भीड़ बहुत थी अंदर और सब लोग शांति से खा रहे थे। और खाने की अगर बात करूँ कसम से बहुत बढ़िया खाना था, खाना वगैरह सब कुछ और टॉप नॉच था, ठीक है। बाकी साउथ इंडियन लोगों को तो बहुत पसंद आया कसम से। मेन तो द थिंग वाज वाइब, मंदिर की जो अंदर की शांति थी, मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा फैलानी चाहिए हमें भी, ताकि लोग एटलीस्ट विजिट करें और फील करें उस वाइब को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।